छत्तीसगढ़ में अब चुनावी शोरगोल थमने जा रहा है, लेकिन नतीजे आते तक प्रत्याशियों की धड़कनें जरूर तेज रहेंगी। चुनाव के दौरान जो कुछ भी घटा वो घटनाएं कुछ प्रत्याशियों को सीख देकर जाएगी तो कुछ प्रत्याशियों को गहरा जख्म भी दे सकती है। खैर, हम इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के उन 10 हॉट विधानसभा सीटों की जिन पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। आरंग से बीजेपी प्रत्याशी गुरु खुशवंत सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हैं, जो प्रदेश में मंत्री हैं, और सतना में धर्मगुरु और बीजेपी प्रत्याशी खुशवंत सिंह ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली थी। भरतपुर सोनहट से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब सिंह कमरू हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, लिहाजा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के सामने कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव, और यहीं से JCCJ के संस्थापक अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी भी चुनाव मैदान में है, लिहाजा ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लोरमी से भाजपा प्रत्याशी अरुण साव के सामने कांग्रेस प्रत्याशी थानेश्वर साहू, अरुण साव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साजा से बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के सामने कांग्रेस के दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे हैं। ईश्वर साहू के बेटे की हाल ही में हत्या कर दी गई थी। यहां भाजपा ने उन्हें टिकट देकर मुकाबला गरीब और अमीर के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की है। रायगढ़ से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश नायक, पिछला चुनाव हारने के बाद ओपी चौधरी रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह ने भी प्रचार के दौरान उन्हें बड़ा आदमी बनाने की बात कही है। खरसिया से बीजेपी प्रत्याशी महेश साहू के सामने कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल है, जो कांग्रेस के दिवंगत नंद कुमार पटेल के बेटे हैं और पिछले चुनाव में ओपी चौधरी को मात दे चुके हैं। अंबिकापुर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव यानी TS बाबा हैं। राजेश अग्रवाल को कभी TS सिंहदेव का ही करीबी माना जाता था। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास हैं। पाटन से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी और खुद CM भूपेश बघेल हैं, जबकि इस सीट से JCCJ प्रदेश अध्यक्ष और स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनावी मैदान में हैं, लिहाजा मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वैसे इन 10 विधानसभा सीटों में से आप किस सीट पर नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।